सभी का स्वागत है माउंटेन फैमिली में। हेलो। तो अभी फीडिंग टाइम है उसका, ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ये इंसान जो कैमरा पकड़ के बैठा है वो जा रहा है स्नो में घूमने और हमें घर में अकेला छोड़ के जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं इनको अकेला छोड़ के नहीं जा रहा, जैसे कि मैंने बताया था, अभी थोड़ा जब स्नोफॉल होता है तो दिक्कत होती है। अभी छोटा है ना अपना शिवोहम, छोटा है, तो कुछ दिनों के बाद इसको ले जाऊंगा, जब थोड़ा धूप खिल जाएगी। स्नो होगी बट धूप खिली होगी तो तब ले जाऊंगा। ठीक है पापा, तब चलेगा। तो ऐसा करना, अपने दादू के साथ जाना, ठीक है? रोना नहीं, ठीक है? ओ शी इज क्राइंग। तो पापा यूं जाएगा और यूं आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जाएंगे हम थोड़ा सा फिर से स्नोफॉल में, स्नोफॉल के बीच में जाएंगे और थोड़ा सा अलग अंदाज करेंगे आज ट्राई कुछ। मुझे लगता नहीं पति वैसे ये टेस्टी होता होगा। बहुत टेस्टी, सीरियसली दिखा थोड़ा, थोड़ी यहाँ एक कहाँ ले। शायद एक फ्रूट वाला है ना। हाँ, वीट एंड ऑरेंज, पर इसकी थोड़े वो है ऑरेंज। पापा बहुत यम्मी था। खा लूँ मैं आपका ब्रेकफास्ट, खा लूँ? देखो भाई इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल मत खाओ। तो प्रकृति मैं चलता हूँ, आप लोग करिए इंतजार, मिलते हैं। जल्दी जाके जल्दी आओ, हैं? जल्दी जाके जल्दी आओ, क्योंकि ये इंसान एक बार घर से निकल जाता है तो कोई आता पता नहीं होता। जल्दी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता जल्दी। ठीक है, इस बार आऊंगा। ओके, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, अब मैं सीधा मिलूंगा आपको मनाली में। तो थोड़ा टाइम लगेगा मनाली पहुंचने में, बट पहुंचूंगा जल्दी। देखो, माउंटेन फैमिली की तरह आप एंजॉय करना चाहते हो स्नो में, तो आपको माउंटेन फैमिली की तरह रहना भी पड़ेगा। तो ये देखो, ये मेरे शूज है, माउंटेन फैमिली शूज दिख रहे हैं भाई। 1% भी ठंड नहीं होती, 1% भी। फ्रेंड्स, माउंटेन फैमिली का मेंबर पहुंच चुका है इतनी खूबसूरत लोकेशन में कि क्या बताएं यार। जितनी तारीफ करें इसकी बहुत कम है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ऐसा कुछ तगड़ी चीज़ नहीं दिखा रही, बट मैं आपको अभी थोड़ा सा कैमरा मोड़ूंगा और उसके बाद जो चीज़ दिखाने वाला हूं तो उसको आप बहुत ही एंजॉय करोगे। तो ये देखो, तो अभी एक्चुअल में सोलांग वैली नहीं पहुंचे, बट थोड़ा सा बीहड़ बुहड़ से जाते जाते हम पहुंचेंगे सीधा सोलांग वैली। और यहां पे लोगों ने गंद डाला है यार, इतना हसीन फल सोचा ना था आज होगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। चलिए अब सीधा चलते हैं टूवर्ड्स खूबसूरत और ब्यूटीफुल सोलांग वैली। लेट्स डू इट।
जितनी तारीफ करे उतनी कम है, और मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं है, मेरे माइक के ऊपर ना सारी तरफ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी यार, काफ़ी लोग आई नो काफ़ी लोग जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, बट कि एक गलती मुझे जो लगी कि वो जानबूझ के अपनी शर्ट पे आ रहे हैं या फिर इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। तो यार ऐसा मत करो क्योंकि एकदम से ठंड लग जाती है यहाँ पे, और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी तो वो तुम समझ नहीं सकते कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती। तो अभी भाई बीच सोलांग में बैठे हैं, बीच सोलांग में, और चारों तरफ घनघोर मौसम। तो मुझे ये वाला मौसम उतना अच्छा नहीं लगता बिकॉज इसमें जो विजिबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। अब निकलने वाले हम यहाँ से और ले चलूँगा आपको इससे भी खूबसूरत जगह। तो सोलांग वैली से भी खूबसूरत जगह है जहाँ आपको ले जाना बनता है, तो लेट्स गो टुवर्ड्स दैट ब्यूटीफुल लोकेशन। मैं भी ना शॉर्टकट ले रहा था, कहाँ को नीचे गाड़ी मैंने कहीं दूर रखी है, तो ऊपर मत, अगर आप सोलांग वैली आ रहे हो तो मेन सोलांग वैली गाड़ी मत ले जाना, बेकार में ट्रैफिक में फंसोगे। सोलांग वैली से नीचे आ रहा था तो मैंने अभी क्या देखा यार, कसम से यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है कचरा, यहाँ यहाँ कचरा ही कचरा। तो ये कचरा टूरिस्ट ने नहीं फैलाया है, ये कचरा जो यहाँ के वेंडर्स हैं, लोकल वेंडर्स, उन्होंने टूरिस्ट को बेचा है, पैसे कमाए हैं और उसके बाद यहाँ फेंक दिया है। कोई चिप्स के पैकेट हैं, कोई खाली किसी चीज़ के पैकेट हैं, तो ये लोकलों की गलती है यार। तो देखो ये ऊपर वाले ने खूबसूरती बनाई है, एक भी दाग नहीं है यार, ये बीच में थोड़ा बेंच का दाग है बट खूबसूरत लग रहा है, देखो कितना खूबसूरत। और ये हम लोगों ने उस खूबसूरती का क्या कर दिया यार, कसम से मूड ख़राब हो जाता है जब वीडियो बनाते हैं, जब ऐसी चीज़ दिखती है ना मूड टोटले का टोटल ख़राब हो जाता है। माउंटेन फैमिली जहाँ जाती है जहाँ कोई नहीं जाता, और जहाँ माउंटेन फैमिली जाती है वहाँ कोई नहीं आता। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आप मास्क अपना उतार सकते हैं जहाँ पे कोई भी ना हुआ। तो फ्रेंड्स इट्स लुकिंग सो ऑसम भाई, कितना खूबसूरत है यहाँ ना, क्या बताएं यार। सोलांग वैली में काफ़ी ज़्यादा रश था तो इसीलिए इधर आए, अब इधर हम थोड़ा इन्जॉय ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा आग जलाएंगे, बिना आग के तो मज़ा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जल चुकी है आग। तो यार जो ये चीज़ है ना, ये बहुत ताकत देती है, बहुत ज़्यादा ताकत। इस चिल्ड भरी ठंड में गरम चाय की प्याली हो, लो कटपा ले ले। थैंक्स। वाह यार कसम से, उस अंकल ने इतनी टेस्टी बनाई ना, पहचान से ली हमने चाय, ऑसम। तो यही है पहाड़ियों का लाइफस्टाइल जीने का, इतनी बर्फ़ में, देखो नेचुरल थोड़ी बर्फ़ भी डाल देते हैं चाय में तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। मैं वैसे यूजुअली चाय नहीं पीता ऐसे, बहुत कम पीता हूँ घर पे, बट जब ऐसी ठंड हो और ऐसी स्नोफॉल होती ना, गरम चाय की प्याली ये स्पेशल घर से पैक करके लाया मैंने, और इसी के लिए लाए थे कि इस वादी में, इस खूबसूरत वादी में आके खाऊंगा। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ माउंटेन फैमिली। बस मेरा बेटा को थोड़ा बड़े होने दो,
तो वो भी आएगा साथ पापा के, अपने एंजॉय करेगा। हाँ, प्रकृति मुझे गाली देगी कि यार तुम इतना अच्छी जगह एंजॉय कर रहे हो और लोकेशन ने ना स्वाद बढ़ा दिया यार। तो जो ये आग है ये कसम से इस टाइम क्या बोले, जन्नत का फील, इतनी खूबसूरत जन्नत के साथ ये भी एक्चुअली जन्नत ही दिखा रही है। बिकॉज अगर इस टाइम आग ना हो तो हम ऐसे बैठ नहीं सकते, और मुझे ऐसे स्नोफॉल में सबसे जो बेहतर चीज़ है, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो पता क्या लगती है, जो ये पेड़ों पे लदी हुई होती है ना बर्फ़, ये बहुत खूबसूरत लगती है यार, बहुत। और हमारी आग बस थोड़ी देर चलेगी, अब लगभग आधा घंटा और चलेगी, आधा घंटा बैठेंगे। और वो ले मेरा गिलास गया, गिलास जल गया यार, शिट। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शंकर संकट हरण खेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, ए बोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। Come on. This is called the real mountain family. Family. जब हम खेलते हैं ना तो कुछ ऐसा खेलते हैं स्नो से, तुम सोच नहीं सकते, अभी हमारे हाथों का ना बर्फ बन चुका और आग भी बुझ चुकी है। तो अब निकलना है यार, चलो अब निकलो, टाइम भी बहुत हो चुका है। और गर्म तो ठंडा नहीं लग रहा, यही गिर गया था। तो फ्रेंड, जो आज का मेरा व्लॉग है वो उसको भी शायद अब यहीं क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज हमने जाने से पहले भोलेनाथ जी को तो याद कर दिया यार, क्या करें, ये उन्हीं की माया है, पूरा हिमालय भोलेनाथ का घर है, तो उन्हीं के घर की उनकी छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, बट कुछ एक उस छत्र छाया को गंदा भी करते हैं। तो इस टाइम मौसम इतना मस्त हो चुका है यार, क्या बताएं, बिल्कुल सारी तरफ सफेद चादर ही चादर। तो फ्रेंड्स, आज माउंटेन फैमिली की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में माउंटेन फैमिली के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड हाँ, तो प्लीज़ यार कूड़ा कचरा इधर उधर मत फेंकिए, और हिमाचल वालों के लिए भी कि यार साफ सुथरा रखिए, तभी ये खूबसूरत ऊपर वाला देगा, ऐसी यूँ आऊँ देगा नहीं, तब हुआ जब लागना ना नंबर, बड़ा बुरा लागना वाला नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे सेफ, खुश रहो सदा माउंटेन फैमिली।